अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मुहिब अली'स फैमिली वीडियोस। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो जी साइड एरिया से फिर शुरू करते हैं। हमने आपको पुरानी वीडियो दिखाई थी साइड एरिया की, तो जनाब आज हम आपको लेकर आए हैं मंगोपीर। और ये भी मैं पुरानी पहले वीडियो दिखाऊँगी आपको कि 2 महीने पहले क्या हालत थी मंगोपीर स्टेशन की। तो जनाब ये है वहाँ का माल गोदाम और इसकी आप कंडीशन देख लीजिए कि क्या है। और सामने का आपको ट्रैक नज़र आ रहा होगा कि पूरा किस तरह की उसकी यार है। ये यहाँ पे किस तरीके से रखी है, यहाँ पे काम हो रहा है अभी। ये लोडी लोडी गाड़ी आ रही है ना, ट्रक आ रहा है। अच्छा, ट्रक आगे इधर लोड करते हैं, ओवर यानी ऑफ लोड करते हैं, तो फिर इसमें भर भर के आगे जाती है। अच्छा अच्छा, इसमें कैसे भरते हैं? तो जी सामने आपको स्टेशन की हालत नज़र आ रही होगी कि सब कुछ इसका शटर वगैरह उतरे हुए हैं और क्या कंडीशन है। 2 महीने पहले ये हालत थी जनाब इस स्टेशन की। और इस स्टेशन से तमाम स्टेशंस को जी जाता है, सामान सप्लाई किया जाता है यहाँ से। ये भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है और मैं आपको पूरा इसका दिखाऊँगी कि अब इसकी क्या कंडीशन है। तो जी इस तरह की हालत थी 2 महीने पहले इस मंगोपीर स्टेशन की। यहाँ पे ये माल गोदाम टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं माल लेके जाती हैं मालबरदार, वो खड़ी हुई हैं। और ये स्टेशन की हालत है जनाब इस वक्त 2 महीने पहले की। इस तरह का कुछ काम हो रहा था स्टेशन पे जब हम 2 महीने पहले गए थे, तो काफ़ी सामान वगैरह आया हुआ था। तो जी आइए चलते हैं आगे और आपको अब दिखाते हैं मंगोपीर के नए स्टेशन की कंडीशन। तो जी हम दाखिल हो चुके हैं मंगोपीर स्टेशन के अंदर और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि रोड को एक लेवल में कर दिया गया है। यहाँ से सारी झाड़ वाड़ियाँ हटा दी गई हैं। पिछली वीडियो में आपको काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही होंगी, तो अब यहाँ काफ़ी सफाई वगैरह हो गई है। और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं कि आगे से क्या क्या काम हुआ है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कितनी झाड़ियाँ थी। इस रोड को भी लेवल में कर दिया गया है मिट्टी वगैरह डाल के, नहीं तो ये बहुत ऊंचा नीचा रोड बना हुआ था यहाँ पे। और इसको भी एक सा लेवल कर दिया गया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कोई काम हो करा होगा। तो ये इस कंडीशन है इस वक्त इस रोड की। यहाँ पे अभी भी काफ़ी माल उतारा गया है, यानी कि काम होगा मज़ीद। और ये यहाँ के माल गोदाम वाला एरिया है। तो जी ये मैं दिखा दूँ, यहाँ से टिकट बुक उधर करवाएंगे जिस तरह आता है। ये बनाओ दीवारों पर कलर कर दिया। ये पूरा मंगोपीर स्टेशन के पीछे का साइड है, यहाँ गेट लग गया है, यहाँ से एंट्री होगी ना। तो जी चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ क्या कंडीशन है जी स्टेशन के अंदर की, क्या सूरत हाल बन रही है। तो कुछ इस तरह की जनाब अंदर से लुक है। ये मेरे ख्याल से तोड़ा जाएगा इसको। और ये वाशरूम वगैरह का एरिया बनाया गया है यहाँ पर, यहाँ से वहाँ से आने के लिए रास्ता। तो जनाब ये है इसके फर्श की कुछ कंडीशन। आई थिंक मुझे लग रहा है फर्श डाल दिया गया है, लेकिन मिट्टी अभी यहाँ से नहीं उठाई गई है। और ये कुछ लोग बन रही हैं, यहाँ पे पानी की टंकियाँ भी आ गई हैं और दरख्त लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि गर्मी थी तो दरख्त गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं जनाब। और ये इसका कुछ ट्रैक का सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे। चलिए आपको ये दिखाते हैं। ये रही पूरी मशीन है भाई, इसके ट्रैक चेंज होते हैं। बिल्डिंग में शीशे भी लग चुके हैं, कलर हो चुका है, सब साफ सुथरी बिल्कुल। और ये स्टेशन का लुक है। तो जनाब ये आपने देख लिया स्टेशन कि क्या सूरत हाल है। अब तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं बाहर का और दूसरी साइड का स्टेशन, जहाँ पे आके ट्रेन रुकेगी वहाँ क्या कंडीशन है इस वक्त। और ये है KCR का ब्रिज साइड से उस साइड जाने के लिए।
और ये हम चलते हैं सामने। ये दोनों ट्रैक तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ये वाला ट्रैक भी इन्होंने खोद के निकाल लिया है। जनाब हमने इस वक्त आपको दिखा रही है रेन कॉलेज का व्यू, चारों तरफ से बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा है इस वक्त स्टेशन का, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। तो जी सामने वाले स्टेशन से इस तरह नज़र आएगा, आगे चलें आप ताकि नज़र आए हम के साथ आए। फर्श ऐसा नहीं है कि ख़राब है, ज़्यादा कंडीशन सही है। ये ट्रैक खोद के निकाला गया लग रहा है ना, न्यू तो नहीं है, अभी तक तो सही है। उस वक्त यानी कि क्वालिटी अच्छी यूज़ की जाती होगी ना, करप्शन मट्टी धूल, लेकिन इसको चेक किया गया होगा, वजन उठाया होगा इसने, दबा रहा इस वजह से, पर पानी इतना नहीं। यहाँ से तमाम स्टेशन के लिए ना ये रोड़ी वगैरह जा रही है, यहाँ पे डंपिंग स्टेशन बनाया है फिलहाल इसे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो गया। जब फर्स्ट टाइम आई थी तो इतना काम नहीं था यहाँ, लेकिन ट्रैक्स वगैरह खुल गए हैं। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं आगे। उस साइड पे तो पानी पानी हो रहा है, कंपनी वगैरह का पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे साइड पे, जमीन एरिया है सारा। ये वर्कर्स के लिए आसानी हो जाएगी जो अंदर से आते हैं। उन लोगों के लिए एक आसान आरामदेह सफ़र होगा। ये ट्रैक की कंडीशन है, नहीं यही था, यही था, हमने यहाँ खड़े होकर बनाई थी। और ये शेड उस वक्त जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो यहाँ मज़दूर काम कर रहे थे, और ये बिल्कुल नया शेड बनाया है क्योंकि ये तबाह हो चुका था, बिल्कुल ख़राब हालत में था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगो पीर की बनाई थी, तो यहाँ काम हो रहा था। लेकिन आप इसकी कंडीशन देखें, अब बिल्कुल न्यू कंडीशन में है ये। यहाँ पर जब वज़ीर मेंशन से आएगी तो यहाँ रुका करेगी ट्रेन, वो जी गोदाम तक का एरिया बनाया गया है ताकि जो पोर्ट वगैरह से शिपमेंट आती हैं वो साइड एरिया के लिए, साइड एरिया के लिए, तो ये उसके लिए भी आसानी हो जाएगी अगर ये खुल गया तो। हाँ जी, कैरिज गुड्स वगैरह, हाँ ये उसके लिए आसानी हो जाएगी। और आगे दिखाते हैं आपको, इसके बोर्ड तक जाएंगे। इस साइड भी ट्रैक था यकीनन होगा, हाँ जी इस साइड भी ट्रैक होगा यकीनन, क्योंकि दोनों तरफ ट्रेन रुकती है। लेकिन ये कंडीशन बहुत ख़राब हुई हुई है, बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं लग रहा कि ये ट्रैक बहाल होगा इस साइड वाला, कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है यहाँ ट्रैक पे। होने को तो कुछ भी हो सकता है, मुमकिन करने वाले होने चाहिए काम। इसके चार ट्रैक हैं वाकई में, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, माल होता था अच्छा। जी माल गाड़ियाँ आती थी, इसलिए इसके चार ट्रैक हैं। एक साइड पे है, दो तीन और ये चार, काफ़ी चौड़ा इसकी जगह है और काफ़ी यूज़। लेकिन इस वक्त वो ट्रैक तो ख़राब ही हुआ है, आगे चलते हैं। है ना भैया, मम्मा के साथ आ गई है मंगो पीर के स्टेशन, आप इधर से आइए, साइड से नहीं आएगी। और ये जो पुराना निकाला गया है ज़मीन खोद के ट्रैक,
और यहाँ खड़ी हुई है, अभी मैं आपकी पिक्चर ले लूँ। यहाँ से भी नहीं आया, नीचे करो थोड़ा सा, अभी मुस्करा लें। अभिया को बहुत शौक है हमारे साथ स्टेशन से आने का। आ जाइए, चलते हैं वापस। हाँ जी, बना ली। और ये आप देख लिया, इतना काम हो चुका है जी, काफ़ी अच्छा काम हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। ये ओवरहेड ब्रिज कितना जानदार लग रहा है यार, अभी भी इतना मजबूत लग रहा है। और क्या, मजबूत तो है, फिनिश भी लग रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन झड़ी नहीं, झड़ी नहीं, बाकी में सीमेंट के वो झड़ जाते हैं। ये जो देख रहा हूँ, यहाँ से ये ट्रैक जा रहा है जी औरंगी स्टेशन, और यहाँ पे कलर का काम हो रहा है दीवारों पे, कलरिंग हो रही है, सफाई हो रही है यहाँ पे। ये लग चुके हैं जनाब, फाटक लग गए हैं, और फाटक पे कलर वगैरह भी हो चुका है, देख रहे होंगे आप, रेलवे की पहचान ही है फाटक। और ये सामने जो जा रही है पटरी और तो जी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो अपनी राय से और पसंदीदगी से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है, और लाइक करना प्लीज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।